27 जनवरी यानी सोमवार, जानिए कैसा रहेगा आपके लिए यह दिन। मेष राशि, आप अपने काम पर एकाग्रता बनाए रखने में दिक्कत महसूस करेंगे क्योंकि आज आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी। बहन का स्नेह आपको प्रोत्साहन देगा लेकिन छोटी मोटी बातों पर आपा खोने से बचे क्योंकि इससे आपके हितों को नुकसान पहुंचेगा। आज रुमानियत का मौसम जरा खराब लगता है क्योंकि आपका साथी आपसे आज कुछ ज्यादा ही अपेक्षा करने वाला है। एकांत में वक्त बिताना अच्छा है लेकिन आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो लोगों से दूर रहकर आप और ज्यादा परेशान हो सकते हैं, इसलिए आपको हमारी सलाह है कि लोगों से दूर रहने से बेहतर होगा किसी अनुभवी शख्स से अपनी परेशानी की बात करें। किसी के प्रभाव में अगर आपका जीवन साथी आपसे झगड़ सकता है लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ भी जाएगा। काम की अधिकता आज आपको मानसिक रूप में परेशानी कर सकती है, हालांकि शाम के वक्त थोड़ी देर ध्यान करके आप अपनी ऊर्जा वापस पा सकते हैं। वृषभ राशि, आउटडोर खेल आपको आकर्षित करेंगे, ध्यान और योग आपको फायदा पहुंचाएंगे। घर में किसी फंक्शन के होने की वजह से आज आपको बहुत धन खर्च करना पड़ेगा जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। नवजात शिशु की खराब तबीयत परेशानी का सबब बन सकती है, इस ओर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। डॉक्टर से भली भांति सलाह लें क्योंकि जरा सी लापरवाही बीमारी को बद से बदतर बना सकती है। अपने प्रिय को समझने की कोशिश करें नहीं तो मुश्किल में फंस सकते हैं। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। आप अपने जीवन साथी से प्यार की मदद से जिंदगी में मुश्किलों को आसानी से सामना करना पड़ सकता है। सितारा इशारा कर रहा है कि किसी नजदीकी स्थान की यात्रा हो सकती है, यह सफर मददगार रहेगा और आपके प्रिय के साथ रहेगा। मिथुन राशि, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्या दूर करने में सहायक भी सिद्ध होता है, यही सोच से इंसान को आलोकित करता है। करीबी रिश्तेदार के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है। घर को सजाने संवारने के लिए अपने खाली समय का उपयोग करें, इसके लिए आप परिवार की से सराहना भी पाएंगे। आज आपको प्यार का जवाब और रोमांस मिलेगा। सेमिनार और प्रदर्शनी आदि आपको नई जानकारी और तथ्य मुहैया कराएंगे। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम का चरम अनुभव करेंगे। लंबे समय के बाद आप भरपूर नींद का मजा ले पाएंगे, इसके बाद आप बहुत शांत और तरोताजा महसूस करेंगे। कर्क राशि, आज आप अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप करना वाकई पसंद करते हैं। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। दिन के दूसरे हिस्से में कुछ दिलचस्प और रोमांचक काम करने के लिए बढ़िया दिन है। आज अपने प्रिय को माफ करना बिल्कुल भी ना भूले। खाली वक्त में आप कोई फिल्म देख सकते हैं, यह फिल्म आपको पसंद नहीं आएगी और आपको लगेगा कि आपने अपना कीमती समय भी जाया कर दिया। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा। अगर आपका प्रेमी आपसे बात नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती ना करे, उसने समय के स्थिति से सुधर जाने वाली है। सिंह राशि, अपनी शारीरिक सेहत सुधारने के लिए संतुलित आहार ले, केवल एक दिन को नजर में रख के जीने की अपनी आदत को काबू करें और जरूरत से ज्यादा वक्त व पैसा मनोरंजन पर खर्च ना करें। दिन को खास बनाने के लिए शाम और परिवार के साथ किसी अच्छी जगह खाने पर जाएं। रोमांस को झटका लगेगा और आपके कीमती तोहफे भी आज जादू चलाने में विफल रहेंगे। दिन उम्दा है, आज के दिन अपने लिए समय निकालें और अपनी कमियों और खूबियों पर गौर फरमाएं, इससे आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपके जीवन साथी की सुस्ती फुर्ती आपके कई कामों पर पानी फेर सकती है। अकेलेपन के ऊपर हावी ना होने दें, इससे बेहतर होगा कि आप कहीं घूमने के लिए भी निकल जाएं। कन्या राशि, सेहत से जुड़ी परेशानियां असहजता का कारण बन सकती है। कोई बड़ी योजना और विचारों के जरिए आपका ध्यान आकर्षित कर सकता है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले उस व्यक्ति के बारे में भली भांति जांच पड़ताल कर लें। बच्चे उम्मीद पर खरा न उतरकर आपको निराश कर सकते हैं। सपनों को साकार करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। आज आपको अपने प्रिय की याद सताएगी। समय का पहिया बहुत तेजी से चलता है, इसलिए आज से ही अपने कीमती समय का सही इस्तेमाल करना सीख लें। मुमकिन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय ना निकाल पाए। अगर बहुत ज्यादा ना हो तो आज देर रात स्मार्टफोन पर गप्पे मारने में कोई बुराई नहीं है, हालांकि किसी भी चीज की अति नुकसानदेही होती है। तुला राशि, शाम के समय थोड़ा आराम कीजिए। वे निवेश योजनाएं जो आपको आकर्षित कर रही है उनके बारे में गहराई से जानने की कोशिश करें। कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। किसी भी चीज को अंतिम रूप देने से पहले अपने परिवार की राय लीजिए। महज आपका अपना फैसला कुछ दिक्कत खड़ी कर सकता है। बेहतर परिणाम पाने के लिए परिवार में तालमेल पैदा करें। आज आप कोई दिल टूटने से आपको बचा सकता है। बातों को सही तरीके से समझने का आज आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आप खाली समय में इन्हीं बातों के बारे में सोचते रहेंगे और अपना समय बर्बाद करेंगे।
कोई पुराना दोस्त आपके और आपके जीवन साथी की साझा यादों को तरोताजा कर सकता है। छोटे भाई के साथ घूमने जा सकते हैं, इससे आप दोनों के रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। वृश्चिक राशि। इच्छा शक्ति की कमी आपको भावनात्मक और मानसिक परेशानियों में फंसा सकती है। तंग आर्थिक हालात के चलते कोई अहम काम बीच में अटक सकता है। अपने जीवन साथी का बोझ दूर करने के लिए घरेलू कामकाज में हाथ बटाएं, इससे आपके साथ में काम करने का आनंद मिलेगा और जुड़ाव महसूस होगा। अपने प्रिय से दूर होने के बावजूद आप उसकी मौजूदगी महसूस करेंगे। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको अपने दोस्तों को भी समय लेना चाहिए। अगर आप समाज से कटकर रहेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर अपने साथी की कोई आपको मदद नहीं करेगा। धनु राशि। आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। अगर आपने अपने घर में किसी सदस्य से उधार लिया तो उसे आज लौटा दे, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही हो सकती है। अपना नजरिया दोस्तों रिश्तेदारों पर थोपने की कोशिश ना करें, क्योंकि ना सिर्फ यह आपको कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं होगा बल्कि ऐसा करना उन्हें नाराज भी कर देगा। अपने प्रिय की गैर मौजूदगी भावनाएं मांगों के समय जुटाने में ना टेकें। अगर आज आप यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपने सामान की अतिरिक्त सुरक्षा करने की जरूरत है। जीवन साथी के खराब व्यवहार पर नकारात्मक असर आपके ऊपर पड़ सकता है। आपकी खूबी आज लोगों के बीच आपको प्रशंसा का पात्र बनाएंगी। मकर राशि। आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। आज कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे उधार मांग सकता है। उन्हें पैसे लौटाकर आप आखिरी तंगी में बाहर आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि उधार लेने से बचें। दिन को रोमांचक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवारों के साथ समय बिताएं। आपके लिए अपने प्रिय से दूर रहना बहुत मुश्किल होगा। घर के कामों को पूरा करने के लिए इस राशि की गृहिणियां आज के दिन फुर्सत में टीवी या मोबाइल पर कोई मूवी देख सकती हैं। अगर आप अपने जीवन साथी की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करेंगे तो उन्हें बुरा लग सकता है। भविष्य की चिंता से अधिक चिंतन की आवश्यकता होती है, इसलिए बेवजह चिंता करने की बजाय आप कोई रचनात्मक योजना बनाएं। कुंभ राशि। भागम भाग भरे दिन के बावजूद आपकी सेहत पूरी तरह दुरुस्त रहेगी। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च ना करें। बच्चे खेल कूद और दूसरी बाहरी गतिविधियों पर ज्यादा वक्त खर्च करेंगे। एक लंबा दौर जो काफी समय से आपको दबचे हुए था खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्द ही आपको आपका जीवन साथी मिलने वाला है। दूसरों को यह बताने के लिए ज्यादा उतावले ना हो कि आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आप अपने जीवन साथी के प्यार से मदद की जिंदगी को मुश्किलों का आसानी से सामना करना पड़ सकता है। अकेलेपन को अपने ऊपर हावी ना होने दे, इससे बेहतर होगा कि आप कहीं पर घूमने चले जाएं। मीन राशि। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी, जिसके चलते आप सफलता की ओर तेजी और बढ़ेंगे। एक हर चीज से परहेज करें जिससे आपकी शांति नष्ट ना हो। धन से जुड़ा कोई मामला आज हल हो सकता है और आपको धन लाभ हो सकता है। अपने परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर ध्यान देना आज आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। रोमांस के लिहाज से बहुत अच्छा दिन नहीं है, क्योंकि आप आज सच्चा प्यार ढूंढने में विफल हो सकते हैं। कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़ के आज का दिन आपके अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कठिन दौर से गुजरने के बाद आज आपको कुछ राहत का एहसास होगा। अनुशासन सफलता की अहम सीढ़ी है। घर के सामान को व्यवस्थित ढंग से लगाने से जीवन में अनुशासन की शुरुआत आप कर सकते हैं। रोजाना इसी प्रकार राशि संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप असल आस्था को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन